any big introduction for our beloved Govind Nilani sir. So here today we have to underline this auspicious moment with Govind Nilani ji, and he is here not as a celebrity, he is here as your elder brother. You ask him whatever you want to ask. I just want to know from you generally, what does cinema mean to you? मेरे लिए तो मेरी दुनिया है सिनेमा, और मैं उसके लिए पैदा हुआ हूँ. तो डायरेक्टर सभी चीज को ऑब्जर्व करता है, सिर्फ उसके अंदर ड्रामा अकेला नहीं होगा. एंड मैंने अपने फर्स्ट प्रायोरिटी सिनेमा है. एनीबॉडी एल्स? डायरेक्टर वो कल्पना करता है, और फिल्म में वो उस बाकी के लोग उसकी कल्पना को पूरी करने के लिए काम करते हैं. फॉर मी इट्स अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, communicating an idea, recreating something that has already happened in the past, in the future. Cinema is a medium where basically you create meaning. एक अर्थ निकलता है, सीन से भी एक अर्थ निकलता है. How you tell a story or script to your actor for signing your film? Who? आप कैसे story कहते हैं? किसी भी actor को कैसे आप कैसे convince करते हैं? Convince करते हैं. Personally speaking, I am the worst story narrator. जब भी मैंने किसी को स्टोरी बताई है, खासकर कोई पॉसिबल फंडिंग के, वो मेरे को ना ही मिला, कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ. बट व्हाट आई डू इज, वंस आई राइट द स्क्रिप्ट, देन आई प्रेफर टू गिव द एक्टर और एनीबडी स्क्रिप्ट टू रीड. द ओनली पर्सन हु डिड नॉट रीड द स्क्रिप्ट एंड स्टिल एक्टेड इन माई फिल्म was Smita. Okay. I went to her because we had done together films, Shyam Babu ke saath film ki thi, to main usko janta tha. To main uske ghar pe gaya, maine kaha bhai ye script hai, aap padh lo, and I want you to do the film. To usne mere ko Marathi mein pucha, tu mere ko khoobsurat photograph karega na? To maine kaha haan. To maine kaha bas main karti hu na film. फिर भी सोच ले, बाद में नहीं कहेगी कि ये रोल अच्छा था या बुरा था, स्क्रिप्ट है तेरे, क्योंकि मेरे को स्क्रिप्ट पे नहीं पढ़ना था. यू शूट मी नाइस. उसके बाद मुझे ऐसा बोलने वाला कोई मिला नहीं. आई नेवर टेल स्टोरीज, आई नेवर नरेट द स्टोरी, आई ऑलवेज गिव द रिटन स्टोरी. आई वॉज मेकिंग दे अमिताभ बच्चन थे और करीना कपूर थी वगैरह. तो मैं अमित जी से मिलने के लिए, तो मैं आता हूँ सर आपके साथ थोड़ी प्रोजेक्ट की बात करनी है. तो व्हेन आई वेंट देयर आई डिस्कवर दैट ही हैड केप्ट वन आवर फॉर मी. ओके, एंड उनको लगा कि मैं शायद उसके मेरिट करूँगा. तो मैं वहाँ पहुँचा, तो मैंने कहा कि हेलो हेलो, ये सब हो गया, चाय ऑर्डर हो गई, उनके घर पे ही था, तो चाय ऑर्डर कर लेंगे, ठीक है. तो हाँ, तो शुरू करें. तो मैं कहा सर जी, मैं आपको स्क्रिप्ट भी बता रहा हूँ, मैं आपको नरेशन देने नहीं आया. मैंने जेब से तो पेपर निकाले, दो पेज डबल स्पेस में टाइपिंग किए हुए थे, क्योंकि पढ़ने में तकलीफ नहीं. ये छोटा सा सिनॉप्सिस है, आइडिया आप उसको पढ़ लीजिए. एक पेपर है जिसमें आपका कैरेक्टर डिस्क्राइब किया है, और दूसरा कैरेक्टर जिसमें स्टोरी का एक सिनॉप्सिस है, राइट, तीन पेज में बस, गाने नहीं बताने. मैंने कहा नहीं, और तब तक तो चाय भी नहीं आई. करेंगे. मैंने उनको कागज दे दिए, उन्होंने कहा ठीक है, मैं दो तीन दिन के बाद मैं आपको बता देता हूँ, करना है नहीं करना. फिर हम लोग अलग 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 बातें करने लगे. चाय आ गई, चाय खत्म हो गई. मैंने कहा मैं कहानी नहीं बताता था, मैं कहानी बताऊंगा आप ना बोल दो. तो देन ही रेंट द स्क्रिप्ट एंड आफ्टर टू थ्री डेज ही रहेंगे उनसे.
So don't depend upon me for telling you how to narrate the story. The same can be true for you. Try to understand this. और डायरेक्शन कैसे करूँ इसका कोई सेट फार्मूला नहीं है. ऐसे क्राफ्ट यू शुड नो ऐसा ऐसा. उसके बाद आप उसको कैसे, फर्स्ट यू मस्ट नो द अल्फाबेट, फर्स्ट यू मस्ट नो 2 + 2 = 4. देन यू कैन से 2 + 2 = 22. इट्स नॉट 4 फॉर मी, फॉर मी इट्स 22. दैट्स वेयर योर कंट्रीब्यूशन एज अ क्रिएटिव पर्सन कम्स इन. बट फर्स्ट यू शुड नो एंड दैट इज प्योर क्राफ्ट. वो आप सिखा देंगे आप. Thank you very much for your time.